एहसान से हो जाएगा तो तुम वली बन जाओगे। तो तीसरा सवाल, कान न का तराहू फैलम तकुन तराहू, गोया के ऐसी इबादत कर कि खुदा तुझे देख रहा है। अगर तू खुदा को देख नहीं सकता, वो तुझे देख रहा है, तो इसी में तसव्वुफ है। और तसव्वुफ नाम है एक दूसरे को थकने का नाम, एक दूसरे को नजर से नजर मिलाना, ये तसव्वुफ है। टू सी वन अनदर दैट इज तसव्वुफ, क्लोज कनेक्शन। तो जो तसव्वुफ को इकरार करता है, एक्सेप्ट एवरीबडी तसव्वुफ, तो वो वली के करीब होता है। इसी नियर ऑफ वलीला। फिर फरमाया और बतना हूं आला कुलूबिहिम, और उनके दिलों को हमने अपने करीब वाला दिल बना दिया। The hearts of those people I brought near to me. दिल अपना बना दिया उसे, करीब वाला दिल। तो दिस इज हदीस में नहीं, दिस हदीस में नहीं। एहसान इज फाउंडेशन ऑफ तसव्वुफ। और उसके बाद का जो मकाम है, अब यही तसव्वुफ से जो है सूफी बना, यही तसव्वुफ से अल्लाह ताला ने, यही तसव्वुफ के रास्ते से सूफीज्म बनाया। थ्रू दिस कनेक्शन विद तसव्वुफ बिकम सूफी। वो सूफी फर्स्ट इन कुरान करीम। आप जो है ये तसव्वुफ जो है ये कुरान करीम से सुन लो। तसव्वुफ क्या है, मीनिंग ऑफ इन द कुरान शरीफ। और सूफी की जो सब में पहले कंडीशन है, द कंडीशन ऑफ तसव्वुफ सूफी, वो है सखाए रब्बुल आलमीन, बंदे की उसकी बारगाह में खैरात करना, अल्लाह की बारगाह में बंदा। बंदा मस्त में, यानी अल्लाह के नाम पर हर चीज कुर्बान कर दे, मैं खैरात द नेम ऑफ अल्लाह। तो वो किसने किया, हु इज डन दिस? हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम। हजरत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहि सलाम का मकाम इतना बुलंद कैसे हुआ, वो खलीलुल्लाह बने। खलीलुल्लाह, इब्राहिम को खलील बनाया रब ने, अल्लाह ताला मेड हिम खलील। तो कैसे बनाया, फरिश्ते रब की बारगाह में पूछते हैं, रब्बुल आलमीन तूने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अपना दोस्त बनाया, अपना महबूब बना दिया, क्या हम उसे कुछ आजमाए? कैन बी मेक टेस्ट ऑन दिस। तो फरिश्ते जो है, एक फरिश्ता भेष बदल दिया, अपने आप को बदलता है और इब्राहिम के पास पहुंच जाता है। वन ऑफ द फरिश्ता चेंज्ड हिमसेल्फ एंड केम टुवर्ड्स हजरत इब्राहिम। इब्राहिम अलैहि सलाम उस जमाने में बकरियां चरा देते थे, यू नो, ही प्ले विद शीप। इट वाज अ शेपर्ड, शेपर्ड थे वो, शेपर्ड के थे। तो बस एक रेडवा था जिसमें 1000 से ज्यादा बकरियां थे उनके पास। इट वाज अ हर्ड ऑफ मोर देन 1000 शीप। बस ऐसे ही फार्म हाउस में चल रहे थे वो, वॉकिंग इन द फार्म दैट टाइम, बकरियों को लेकर। तो एक शख्स आवाज देता है, निदा देता है फरिश्ता। तो वन पर्सन गेव आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या आवाज देता है वो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इब्राहिम अलैहि सलाम ही दैट मिशन। तो आपने सुना और उस शख्स को अपने करीब बुलाया। We heard and brought the person, personality nearer to him. और बोले, तुमने जो अभी कहा एक बार से फिर कह दो। What you have just said now, kindly repeat this. बोले, जब मैंने पहली मर्तबा कहा तो वो तो मैंने अपनी खुशी और मर्जी से कहा था। The first time I have said this is through my own happiness and my mercy.
अब मैं तुम्हारे हुक्म पर जब बोलूंगा तो इसका बदला मुझे क्या मिलेगा? और इफ आई मस्ट से फॉर द सेकंड टाइम ऑन योर इंसिस्टेंस व्हाट रिटर्न विल आई गेट? अब मैं तुम्हारे लिए जब अल्लाह अकबर बोलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? व्हाट एम आई गोना गेट? इब्राहिम अलैहिस्सलाम योर इंसिस्टेंस व्हाट एम आई गोना गेट? ही सेड यू टेक माय हाफ शिप, टेक माय हाफ शिप, मेरे आधे बकरिया ले लो, बस ओनली वन टाइम यू डिसाइड, वन टाइम अल्लाह। तो इस फरिश्ते ने जो आजमाइश के लिए आया था, टेस्ट इब्राहिम, तो जब उसने अल्लाह अकबर कहा तो इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने आधे बकरियां उसे दे दिए। अल्लाह अकबर फॉर सेकंड टाइम इब्राहिम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह गई हाफ द शिप टू हिम, गिव हाफ शिप, देन ही आस्क अगेन क्वेश्चन, इन आस एक बार फिर यू से मोर अगेन वन टाइम, से अनदर टाइम अल्लाह अकबर फिर एक बार कह दो, बोले अब क्या मिलेगा? व्हाट एम आई गोइंग टू गेट थर्ड टाइम अगेन? तो बोले जो आधे हैं वो भी ले लो, आधा हाफ यू कैन टेक। तो आप बताओ कि आप और हम यू एंड मी व्हाट वी गिव अल्लाह सुब्हानहू मोहब्बत का मुकाम। तो अल्लाह ने इब्राहिम को खलील ऐसे ही नहीं बनाया बल्कि उनका अकीदा और उनका तकवा देखा। अल्लाह ताला मेकिंग सच ए बंदा टू टेस्ट हिज अकीदा। तो जब तो बोले ये यू हैव माय मोर यू टेक माय हाफ इनफ ऑल फिनिश बट वन टाइम यू से अगेन वन टाइम मोर, तो बस एक बार और कह दो अल्लाह का नाम। तो उस फरिश्ते ने फिर कहा अल्लाह अकबर। उसके बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे बकरियां दे दिए वो शख्स जा रहा था फिर उसे बुलाया। The farishta was on his way, so he called him back. और बोले फिर एक बार अल्लाह अकबर, प्लीज अनदर टाइम अल्लाह अकबर। क्या कहते हैं? फिर एक बार अल्लाह अकबर कह दो। तो बोले अब तुम्हारे पास है ही क्या? व्हाट इफ ही गॉट वर यू नाउ, बकरियां तो दे दिए, ऑल द शीप यू गेव ऑलरेडी, अब क्या दोगे? व्हाट आर यू, कहा बकरियों के लिए चलाने वाला भी तो चाहिए, बकरियां चलाने वाला भी चाहिए ना। फॉर द शीप यू नीड अ शेपर्ड, शीप मैन वी वॉन्ट। तो बस अपने आप को तीसरे सवाल में फिर अल्लाह अकबर उसने कहा। उसके बाद फिर वो जा रहे थे, फिर बुलाया चौथी मरतबा। ही वाज ऑन हिज वे, ही वाज कॉल्ड बैक अगेन, बोले अब क्या चाहते हो? व्हाट यू नीड नाउ, सब कुछ तो अल्लाह के लिए दे दिया तुमने, यू हैव गिवन एवरीथिंग फॉर अल्लाह, अपने आप को दे दिया, यू सोल्ड योरसेल्फ आल्सो फॉर अल्लाह ताला, जस्ट फॉर द नेम ऑफ अल्लाह। तो फिर अल्लाह अकबर कहा। फिर इब्राहिम अलैहि सलाम ने पूछा तो उसने कहा अल्लाह अकबर। तो अब कहा कि अब क्या दे, अब क्या मिलेगा? तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। व्हाट आई एम गोना गेट नाउ, यू गॉट नथिंग, बोले अभी जान है ये भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। व्हाट माय लाइफ, दे कैन गिव दैट आल्सो ऑन योर नेम। तो दैट टाइम अल्लाह सुभान व तआला से द दिस इज मीनिंग ऑफ सखावत। तो इसकी जो पहली बुनियाद है हदीस की वो है तसव्वुफ, द फाउंडेशन ऑफ तसव्वुफ फर्स्ट इब्राहिम अलैहि सलाम। ये कुरान करीम से साबित है। सूफी हु, सूफी यू गिव योर ऑल लाइफ ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस इज फर्स्ट मीनिंग ऑफ सूफी, यू गिव ऑल लाइफ ऑन सूफी, वी कांट गिव लाइफ। One time fakir come, you say why you come again? I give you one brand, two brand, why you come again? We give a lot of thing, you know, wife, your children, all you give. But somebody come and ask, but you say why you ask again? Why you come?
You go some other people, look there some other people. तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरिश्ता रफी बारगाह में पहुंचा और कहा रब्बुल आलमीन यकीनन इब्राहिम को तूने अपना खलील बनाया है। इस बात पर फरिश्ते इधरा थे इब्राहिम खलीलुल्लाह दोस्त इन द वे ऑफ अल्लाह प्रेरणा अल्लाह सुबहान वाह इज्जत और फिर इब्राहिम को फिर उसके बाद का जो मकाम है द सेकंड मीनिंग ऑफ सूफी द सेकंड मीनिंग ऑफ सूफी वो है रजाए रब्बुल आलमीन रजा मीन अल्लाह तुमसे राजी होने का नाम अल्लाह इज हैप्पी विथ यू अल्लाह अल्लाह तुमसे राजी होना बंदे से वो कब होगा तो वो भी इब्राहिम अलैहि सलाम को अल्लाह ने आजमाया अल्लाह ताला इज टेस्टिंग ऑन दैट आल्सो अल्लाह ता इब्राहिम अलैहि सलाम जिससे मोहब्बत फरमाते थे अपने बच्चे इस्माइल अलैहि सलाम से इब्राहिम अलैहि सलाम आज तुम अल्लाह की बारगाह में जब जाते हो यू गो फॉर हज दैट टाइम मेन वर्क यू आर कुर्बानी व्हाई यू गिव कुर्बानी तो ये भी रजा है तो रब ने इब्राहिम अलैहि सलाम के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया है।